सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो हमारी वीकली कंपाइलेशन सीरीज का हमारा लेक्चर सेकंड रहेगा। फर्स्ट हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसमें हम अपने टॉपिक साइंस एंड टेक, आईआर, ज्योग्राफी और बायोडायवर्सिटी कवर कर रहा है। जो भी हमारे वीक में इंपॉर्टेंट न्यूज रही थी, उसको सारे सेगमेंट को हमने डिवाइड करके एक शॉर्ट वीडियो बनाई है। अभी हमारा सेकंड पार्ट रहेगा उस सीरीज का। इसके हमने हम बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट रहेगी गवर्नमेंट स्कीम, और हमारी जो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब इसमें हम कवर करेंगे। ये वाली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। यूपीएससी प्लस पीसीएस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सब जो आपके स्कीम वाले टॉपिक होते हैं, ये फेवरेट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट रहेगा हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स का। तो इसमें हम मेजरली चार इंपॉर्टेंट स्कीम रही थी इस हफ्ते जो इंपॉर्टेंट रही है। फर्स्ट हमने आ रही रही थी आपकी पीएम मित्रा स्कीम थी, देन आपकी इंटर्नशिप स्कीम थी, देन हम सफर पॉलिसी तो जो अभी रोड ट्रांसपोर्ट अपने नितिन गडकरी जी ने लॉन्च करी है, देन आपकी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम अभी रिसेंटली लॉन्च करा गया था। चलिए हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्कीम जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रही थी, वो हमारी पीएम मित्रा स्कीम। क्या थी पीएम मित्रा स्कीम, थोड़ा आपको ब्रीफ में छोटा सा कंसाइज फॉर्म में बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी जो आपकी करंट अफेयर्स की वीडियो है वो देख सकते हैं। तो बेसिकली जो पीएम मित्रा स्कीम थी ना, उसके आप फुल फॉर्म से ही समझ जाओगे क्या है। फुल फॉर्म थी हमारी, मित्रा का मतलब होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डिजाइन अपेरल। तो इसमें बेसिकली हमने बात करी थी कि हमने पीएम अपने जो स्कीम के अंदर 7 पार्क सेटअप करने जा रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया। वो क्या काम करेंगे, बेसिकली उनका काम होगा आपके जो वो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, कैसा आपको इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करेंगे, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी देंगे, किसके लिए ये वो आप बात कर लेते हैं। तो वो है ना, एक हमारे लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल प्रोवाइड करेंगे आपके पीपीपी मॉडल के लिए। कि क्या है, जो अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ के लिए ये स्कीम लॉन्च करेगी, ये कि वो थोड़ा ग्रोथ कर सके। वो अभी है ना थोड़ा स्टेबल या फिर डाउनफॉल टाइप लेवल पे चल रही है, तो हम चाहते हैं कि वो भी ग्रो करे। तो उसके लिए इस स्कीम में क्या कवर होएगा, उसके अंदर स्कीम के अंदर आपके इंक्यूबेशन सेंटर रहेंगे, आपका कॉमन प्रोसेसिंग हाउस रहेगा, ट्रीटमेंट प्लांट्स रहेंगे, और टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी फैसिलिटी रिक्वायर होगी, डिजाइन सेंटर और टेस्टिंग सेंटर टाइप्स, वो सब चीज़ें इन 7 आपके मित्रा पार्क्स में प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो फंड एलोकेट हुआ है, वो आपका हुआ है लगभग 4500 करोड़ के आसपास। टर्म इसका रहेगा 5 ईयर के लिए। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। देन आपका इसमें ना 5P पॉलिसी, 5F पॉलिसी फॉलो करी गई है। ये मैंने किसी वन डे एग्जाम में भी देखा था कि व्हाट इज द 5F पॉलिसी। तो वो हो जाती है आपकी फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। देन बात करी जाती है कि PPP मोड क्या है। तो PPP मोड आप समझ ही गए होंगे क्या है, आपका प्राइवेट पार्टनरशिप मोड है। इसमें है ना प्राइवेट कंपनी भी इन्वेस्ट करती है, और अपनी जो गवर्नमेंट है वो भी इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इसमें आपका ये बताया गया है इन्होंने। ठीक है, अब इसके अंदर बात हो जाती है कि 7 PM जो आपके पीएम मित्रा पार्क है वो कहाँ कहाँ है, और इसके अंदर कैसे कैसा सेग्रीगेशन कैसा है। तो पहले तो आप लोकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट लोकेशन रहेगी हमारी लखनऊ, देन आपकी रहेगी मध्य प्रदेश का धार है, देन आपका तेलंगाना का वारंगल है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी 7 लोकेशन है। देन आपका तमिलनाडु का विरुधानगर है, देन आपका कर्नाटक का कलमबुरागी है, महाराष्ट्र का अमरावती, और आपका गुजरात का नवसरी है। इन लोकेशन में भी एक डिफरेंस है कि कुछ लोकेशन आपकी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है और कुछ आपकी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स है। तो थोड़ा सा मैं आपको छोटा बता थोड़े ब्रीफ में बता देता हूँ कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में डिफरेंस आपको वैसे पता होगा। ग्रीन फील्ड होता है आपके जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करे जाते हैं प्रोजेक्ट, बिल्कुल बेस से, यहाँ पे कोई कुछ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रखा है, कुछ भी नहीं है। तो वो होते हैं आपके ग्रीन फील्ड, और आपके होते हैं ब्राउन फील्ड, जो थोड़ी सी उन पर इन्वेस्टमेंट या स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, वो कहीं ना कहीं मिड रेंज में या फिर इनिशियल से थोड़ा ज्यादा ही है। तो वो होता है आपके ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें पार्क में फैसिलिटी बता रखी है क्या क्या, इंक्यूबेशन सेंटर होंगे, देन आपका रोड हो गया, पावर हो गया, वाटर वेस्ट ये सब सिस्टम, और जो वर्कर्स होंगे उनके लिए हाउसिंग और आपके हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी, उनके मेडिकल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। थोड़ा सा हम इनके सिग्निफिकेंट मतलब ये क्यों बनाई गई थी स्कीम के, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें बता सकते हैं। एक तो रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, मतलब जो हमारा खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन का या फिर हैंडलिंग का, जो भी खर्चा होता है गुड को एक ए लोकेशन से बी लोकेशन देने के लिए, तो उस खर्चे को कम करने के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में जो आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं 15% का अराउंड आता है, और चाइना जैसी कंट्री जो है उसमें लगभग लगभग ये ना 3 to 5% के बीच रहता है। तो हम भी कोशिश करना चाहते हैं हमारे इस कॉस्ट के अंदर अंदर आ जाए। सेकंड आ जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इस स्कीम के थ्रू नौकरियों का जनरेशन होगा आपका, लगभग एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 1 लाख जॉब प्रोवाइड करेगा ये डायरेक्ट, और आपके 2 लाख इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं।
क्योंकि पूरी चेन होती है। देन आपका एफडीआई, एफडीआई में होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि बाहर से पैसा इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में ग्रो करने के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। थोड़ा सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हमने बताया था इसके में, कि आपका जो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। थोड़ा सा डाटा के बारे में बात करें तो 2.3% शेयर आपका जीडीपी में इसका, 7% इंडस्ट्रियल आउटपुट में, 12% आपका एक्सपोर्ट वाले फैक्टर में, और 21% आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इंडिया आपका 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और 6% ग्लोबल शेयर रहता है इसका। बात करें आपकी फाइबर की, तो उसमें कॉटन और जूट के मामले में वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, ये सब बेसिक चीज़। और सिल्क के मामले में वी आर ऑल्सो एट सेकेंड, 95% जो आपका हैंड वूमेन फैब्रिक है वो इंडिया से आता है, ठीक है। देन हमारी सेकेंड स्कीम थी, ये एक पीएम इंटर्नशिप स्कीम थी। इसमें आप नाम से समझ गए होंगे, इसमें क्या कर रहे थे, इसमें आपके जो सेंटर है वो कोशिश कर रही थी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप के थ्रू थोड़ा एम्प्लॉयमेंट या थोड़ा स्किल डेवलप करा सके, तो उनका अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही थी इंटर्नशिप की। तो उसमें पहली बात तो क्या था, फैक्ट क्या था, तो इसमें यह था कि 1 करोड़ जो यंग आपके जनरेशन है उनको 5 साल के लिए आपका इंटर्नशिप प्रोवाइड करना, ताकि वो स्किल डेवलप करे और आगे कहीं ना कहीं अच्छी तरह जॉब कर सके और नेशन की बिल्डिंग में हेल्प कर सके। पैसे की बात करें तो इसमें आपका 4500 रुपये मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, और 500 रुपये जिस कंपनी में वो इंटर्नशिप करेंगे वहां से दिया जाएगा। वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा 6000 के आसपास। तो इस स्कीम के अंडर इनका कवर करेंगे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना। थोड़ा सा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपका है ना एज लिमिट, ये ना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, यहाँ से आपके है ना वन लाइनर या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से 24 इसकी एज रहेगी, और आपका 10th एटलीस्ट क्लियर पास, आप मेट्रिक पास होना जरूरी है। और बात करें ग्रेजुएशन की, तो इसमें आईआईटी आईआईएम के बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, आपके पास जॉब नहीं होनी चाहिए। आपके सैलरी के बारे में, अगर फैमिली की इनकम 8 लाख से ज्यादा है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए। बेनिफिट ये थे इसका, एक तो रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए स्किल डेवलप कराना, और आपका फाइनेंशियल सपोर्ट देना यंगस्टर को। नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो हमसफर पॉलिसी, एक पॉलिसी डेवलप करी गई है किसके द्वारा, आपके रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा, नितिन गडकरी जी ने लॉन्च करी थी। इसमें क्या बात करी गई थी कि जो आपके हाईवेज होते हैं ना, हाईवेज के अराउंड रेस्ट एरिया बनाने की बात करी थी, जो रेस्ट एरिया होते हैं उनको डेवलप करने की बात करी गई थी। एक तो आपके वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी दी जाए, बेबी केयर रूम दिए जाए, एसेसिबिलिटी के नाम पे आपका डिफरेंटली एबल जो लोग हैं उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए, चार्जिंग स्टेशन हो, पार्किंग फैसिलिटी हो, फ्यूल स्टेशन हो, रेस्टोरेंट हो, फूड कोर्ट हो, देन आपका डॉर्मेटरी हो ड्राइवर के लिए, ताकि वो रेस्ट कर सके अगर लंबे, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रकर्स ही है जो आपके इकॉनमी के ट्रांसपोर्टेशन संभालते हैं, ठीक है, तो ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करें इस हमसफर पॉलिसी में। देन आपकी नेक्स्ट स्कीम थी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो ये फर्स्ट तो क्वेश्चन वही हो जाता है कि एक तो ये कैसी स्कीम है, आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आपको डिफरेंस मैंने बताया ही था, दो तरीके के होते हैं, कि आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है और आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। इसमें आपका सेंटर पूरा इन्वेस्ट करती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में कुछ पैसा सेंटर का होता है और कुछ स्टेट का होता है, ठीक है, इसमें पूरा सेंटर का होता है। तो ठीक है, ये आपका प्रोग्राम था। इसमें एम क्या था, एक तो 5 करोड़ नॉन लिटरेट जो आपके अनपढ़ लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव। ये इसके 5 कॉम्पोनेंट हो जाते हैं आपके, या बेसिक चीज़ है, ठीक है, ये आपके प्री के लिए तो नहीं इंपॉर्टेंट। देन आपके स्कीम के बारे में थोड़ी सी बात करिए, इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मिनिस्ट्री, आप नाम से भी समझ गए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो हैंडल करती है इसको। मोड ऑफ लर्निंग आपका दीक्षा प्लेटफॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म किसका है, और तो दीक्षा प्लेटफॉर्म आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो बुक्स होती है उनकी, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू उनका एक्सेस ले सकते हो एनसीईआरटी बुक्स का ऑनलाइन मोड में। देन इसका रेडियो टीवी इन सब सोर्सेज का आपका यूज करा जाएगा। फंड एलोकेशन की बात करें तो 1000 करोड़ के आसपास इसका फंड है, इसमें 700 करोड़ आपका सेंटर और आपका 300 करोड़ के आसपास, 350 के आसपास आपका स्टेट देगी, ठीक है, आपका 5 ईयर के लिए इसका ड्यूरेशन है, टिल 2060-27, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इसका ड्यूरेशन क्या है। देन इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो कोई भी इसके लिए एलिजिबल है जो 15 ईयर्स एंड अबव है, मोबाइल ऐप के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वॉलंटरी बेस्ड अगर पढ़ाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देन हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, नेक्स्ट सेगमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल प्लस आपकी जो नेशनल इंपॉर्टेंट अपने इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है वो सब हम कवर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है आपकी एससीएससी होती है, अपनी पता ही होगा आपको, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका थोड़ा सा फाउंडिंग या आपके ओरिजिनेशन की बात करी गई थी, पहले इसका नाम शांघाई 5 था 1996 में, देन इसमें कुछ कंट्री ऐड हो गई थी जिसके बाद इसका नाम एससीओ पड़ गया था, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ी सी इसकी बेसिक हिस्ट्री है। मेंबर्स के बारे में बात करें तो ये इनके मेंबर है, आपके 10 मेंबर कंट्री है इसमें। इसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक्स भी बताया था, ट्रक, पहले तो ये लोग थे, देन इसमें आपका आईपीआई भी जुड़ गया था, देन आपका इसमें बी जुड़ गया था। तो इसमें क्या है, ट्रक्स आपका टी से तजाकिस्तान है, आर से रशिया है, यू से उज्बेकिस्तान है, सी से चाइना है, आपका के से कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, और आई से आपका पहले तो आपका इंडिया और पाकिस्तान आए थे, एक साथ आए थे,
देन आपका ईरान आया था, और अभी रिसेंटली पिलर उसने ज्वाइन करा है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, रिसेंटली ये दो मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन करा, सबसे रिसेंट पिलर उसे आपका, ठीक है। ये आपको मैंने निमोनिक्स बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन आने के काफी चांसेस रहते हैं। हेडक्वार्टर, हाँ हेडक्वार्टर ने लिखा, हेडक्वार्टर की बात करें तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, क्योंकि चाइना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं। थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री ये बात करिए, इट इज अ पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड, इनकी हिस्ट्री के बारे में बात की। बेसिकली अपने एशियन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सारे मोस्टली एशियन मेंबर्स हैं। और ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करें तो अफगानिस्तान और आपका मंगोलिया ऑब्जर्वर स्टेट्स है इसमें। मैंने अभी रिसेंटली इंडेक्स लॉन्च करा गया आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कंपोनेंट्स है, कौन लॉन्च करता है, व्हाट इज अ पॉइंट स्केल होता है जिसमें, तो फर्स्ट तो यही आ जाता है कि कौन लॉन्च करता है। तो इसमें अभी पहले तो 3 मेंबर होया करते थे, पर आपको अभी के लिए याद रखना है 2 मेंबर, आपका वेल्थ हंगर लाइफ है और आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आने काफी चांसेस रहते हैं। देन ये एनुअली पब्लिश करा जाता है, इसका गोल क्या, टू डिजाइन एंड मेजर आपका ट्रैक हंगर, हंगर का जो पैरामीटर है उसको अक्रॉस द ग्लोब मेजर करना, ठीक है। इसके ऊपर वेरियस डायमेंशन हम यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका स्केल होता है आपका 0 to 100, ठीक है। 0 आपका कहीं ना कहीं बेस्ट होता है और 100 आपका वर्स्ट होता है, ठीक है। इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइक कर रहा था 24 के आसपास था, तो आपका अच्छी कंडीशन में तो नहीं था ज्यादा, ठीक है। चार पैरा इसके चार 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 डायमेंशन हम यूज करते हैं उसके लिए, क्या क्या, आपकी फर्स्ट आपकी अंडर नरिशमेंट, देन आपका चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग और आपका चाइल्ड मोर्टिलिटी, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बेसिक इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन था वाजा। वाजा एक अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, नाम से आप समझ गए होंगे, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम, ठीक है। तो इनका काम है, इनका पहले इनका ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो वेलफेयर के बात करती है एनिमल्स के, उनके जहाँ पे उनको रखा जा रहा है उससे रिलेटेड हैंडलिंग का काम इनका होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है वर्ल्ड वाइड में, आपका लोकल कम्युनिटीज के साथ कोलैब करके, कंजर्वेशन ग्रुप के साथ कोलैब करके इनिशिएटिव लॉन्च करती है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ जू और एक्वेरियम दिया हुआ है इन्होंने। देन आपका अवेयरनेस के, एजुकेशन अवेयरनेस की बात करें तो एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द नीड फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की बात करती है आपका एनिमल्स का, और एनिमल्स की कंजर्वेशन कैसे होगी, वाइल्ड लाइफ जो उनके जहाँ पर रहने की जगह है उसको आपका पैरामीटर और एक स्टैंडर्ड सेट करना, वो इसका काम हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेटवर्क की बात करें, बारे में बात करें तो जू और एक्वेरियम इसके नेटवर्क में हो जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की आपका टी बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन भी आ चुके हैं इसमें, इससे पहले यूपीएससी में आ चुके हैं तो पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके पीसीएस एसएससी के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए। तो ये एक्ट से बनाई गई बॉडी है, इसका स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री की बात करें तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आती है। 31 मेंबर्स इसके ग्रुप में है। देन ये बेसिक चीजें बता रखी है कि कौन कौन इनको, ये सब चीजें ये आपको नॉर्मल पता। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हर 3 साल में गठित होती है। हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ से आए थे क्वेश्चन कि इसका हेडक्वार्टर, एक तो हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, कोलकाता में इंडिया में, और एज अ इंटरनेशनल मतलब फॉरेन की बात करें तो 2 जगह है, दुबई और मॉस्को में। तो टी हो गया, आपको कॉफी पता होना चाहिए कि कॉफी बोर्ड कहाँ है, तो कॉफी बोर्ड आपका बेंगलुरु है, ठीक है, आपको बता दें यहाँ से चांसेस है क्वेश्चन आने के। देन आपके लिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा जरूर, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट तो एम आ जाता है, तो एम इसका आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल पैसा, फाइनेंशियल हेल्प देना किनको, डेवलपिंग कंट्रीज को, वो इसका एम हो जाता है। फाउंडिंग की बात करें तो 1944 में इसकी फाउंडेशन ओरिजिनेशन हुआ था आपका ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 189 इसके मेंबर है, हेडक्वार्टर आपका ये इंपॉर्टेंट है वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है जहां पे इंडिया जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है। तो आपको बता ही दिया था, आप बताना इसमें G20, एशियन और आपका वर्ल्ड बैंक, और अभी रिसेंटली मैंने आपके पीछे पढ़ाया एससीओ, इसमें किस किस में इंडिया आपका मेंबर है और किस में नहीं है, आपको पता होना चाहिए, किस में फाउंडिंग मेंबर है वो भी बताना, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपका 4 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनता है, आपका 5 से, सॉरी 5 में कौन कौन सा आता है, फर्स्ट आपका IBRD है, देन IDA है, IFC है, MICA है, ICSID है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको क्या कहाँ काम है इनके, फुल फॉर्म आपको देख लेना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस हेल्प ही प्रोवाइड करना है किसी डेवलपिंग नेशन को, और किसी केसेस में आपका एडवाइस प्रोवाइड करना, इन दोनों को मिलकर बनता है आपका वर्ल्ड बैंक, IBRD और IDA का, और इन 5ों को मिलकर बनता है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप, बता ही दिया था मैंने 5 इंस्टीट्यूशन है। थोड़ा फंक्शन की बात करें तो फाइनेंशियल हेल्प मैंने बताया दिया, एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एडवाइस देना कहीं जरूरत है, डाटा रिसर्च पे बात करना, कोई डाटा रिसर्च होल्ड करवाना अगर जरूरत, R&D का काम, कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रमोट करना आपका प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट की, अगर कोई जाता है प्राइवेटली इन्वेस्ट करना तो वो भी कर सकता है।
इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो फर्स्ट टाइम हमने इनसे पैसा लिया था आपका 1949 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है, मल्टीपल फीड्स में ये हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे है। देन आपका प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट फंड है जहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने फंड कर रखा है, तो वो आता है आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, देन आपका नेशनल गंगा का प्रोजेक्ट है, देन आपका फ्रैट कॉरिडोर डेवलप करने में बिहार कोशी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, और आपका सोलर प्रोग्राम प्रोजेक्ट, पता होना चाहिए आपको। देन नेक्स्ट हमारा एक न्यूज थी ओला से रिलेटेड, उसमें एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी आपका सीसीपीए, सीसीपीए आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो एक रेगुलेटरी बोर्ड है, एक्ट के थ्रू बनाया गया था आपका 2019 में। कौन सी मिनिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसकी मिनिस्ट्री अंडर ये काम करता है। कंपोजिशन की बात करें तो ये तीन मेंबर होते हैं इसमें, फर्स्ट आपका चीफ कमिश्नर होता है, बाकी दो कमिश्नर होते हैं, नॉर्मल चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन विंग का काम करती है, और इसे फंक्शन की बात करें तो ये कंप्लेंट लॉन्च करती है या फिर एक्शन लेती है किसके खिलाफ, वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स और आपका अनफेयर कोई ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है या फिर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, वो सब हैंडल करना इनका काम है। नेक्स्ट हमारा सीडीएस एक ऑर्गेनाइजेशन रहा था, बिकॉज ऑफ द दवाइयों से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री का अंदर आती है आपके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, फॉर रेगुलेटिंग का काम है इसका, फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ, कॉस्मेटिक वाली चीज़ें और मेडिकल सर्विस डिवाइसेज इन इंडिया, उनको हैंडल करने का, उनकी पैरामीटर सेट करने का काम आपका सीडीएससी होगा। ये थोड़ी सी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ड्रग अप्रूवल लेना, क्लिनिकल ट्रायल करना, स्टैंडर्ड सेटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इम्पोर्ट्स कोऑर्डिनेशन, ये सब इसका फंक्शन हो जाते हैं। देन आपका एफ ई ए आज की लास्ट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी हमारे लिए। देन इसमें क्या है, एफ ई ए होता है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर लाया करता है आपका रोम इटली में, ये आपको पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 194 मेंबर है इसमें। देन आपका इसमें 100% फंडिंग आपकी जो आपकी मेंबर कंट्रीज होती है वहाँ से मिलती है। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है, एक तो जो होता है ना आपके फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी आपके फूड से रिलेटेड स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है वो इनका काम होता है। तो इसमें एक तो ये दूसरे के चीज़ों में इंटरवेन नहीं करती, फूड रिलीफ ऑपरेशन डायरेक्टली फॉलो करती है, यूएन सिस्टम के अंडर काम करती है, बेसिकली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देन इसके ये इंपॉर्टेंट यह हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन, इसने पांच पांच ही है ना, एक दो तीन चार रिपोर्ट पब्लिश कर चुके हैं अब तक। ये कौन कौन सी आपकी, सोफो है, देन आपका सोफिया है, सोको है, सोफिया। इसमें आपका फर्स्ट तो आपका स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट है, देन फिशरी से रिलेटेड है, देन आपका कॉमोडिटी मार्केट है, और आपकी लास्ट होती है सिक्योरिटी न्यूट्रिशन। तो ये आज की हमारी वीकली कंपाइलेशन की लास्ट डेट थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि हमें और सपोर्ट मिले ऐसी वीडियो बनाने के लिए। अगर आपके पास कुछ और भी एडवाइस हो ना तो हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू।